दोस्तों नागा बाबा के बारे में बताएंगे। इस क्लिप को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स दें। दोस्तों नागा बाबा रहस्य का विषय है। इस बाबा की जीवन शैली विचित्र होती है। सनातन धर्म की शुरुआत गुरु शंकराचार्य ने की थी। यह युग अखमकारियों का था। इनका उद्देश्य धन लूटना था। इनसे निपटने के लिए शंकराचार्य ने चार पीठ का निर्माण करवाया। इन पीठ के नाम है गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ व ज्योतिमठ पीठ। इनके अलावा शंकराचार्य जी ने अखाड़ों की स्थापना की थी और यहीं से शुरुआत नागा बाबा की हुई। ये बाबा हथियार चलाने में निपुण होते हैं। अस्त्र शस्त्र के अभाव के लिए मठों का निर्माण कराया गया था। इन मठों की अखाड़ा कहा गया। इनसे इतिहास भी जुड़ा है। राजा इनसे युद्ध में मदद लेते थे। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण के समय नागा साधुओं ने अब्दाली की सेना का मुकाबला कर गोकुल की रक्षा की थी। नागा साधुओं के नियम कठोर हैं। इन नियमों में से ब्रह्मचर्य का पालन एक नियम है और देखा जाता है कि दीक्षा लेने वाला वासना से मुक्त है कि नहीं। इनमें सेवा भाव भी होती है। नागा साधु बनने में 6 साल या इससे भी अधिक का समय लग जाता है। नागा बाला का शरीर पर लंगोट धारण करते हैं, लेकिन कुंभ में स्नान कर अंतिम प्रण लेने के बाद